हरे कृष्णा। गुरुकुल शिक्षा में अभी हमने बात की, तो गुरुकुल शिक्षा माने विद्या का और कला का समुचित मेल, जहाँ पे विद्या हो और कला भी सीखने को मिले, दोनों का जोड़ माने गुरुकुल शिक्षा। तो गुरुकुल शिक्षा और क्या क्या कह सकते हैं गुरुकुल शिक्षा के बारे में, तो मैंने बताया कि हमारे महापुरुषों ने, संतों ने या भगवान ने भी अवतार लेकर ये शिक्षा ली, तो ये शिक्षा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम देखने को मिलता है कि जितने यहाँ महापुरुष हुए, भगवान आए, अवतार लेकर आए, उन्होंने भी ये शिक्षा ग्रहण करके अपने ओर से एक तरफ से गुरुकुल शिक्षा को ये प्रमोट किया, गुरुकुल शिक्षा को अच्छा बताया, गुरुकुल शिक्षा को लेने जैसी बताई। तो वो गुरुकुल शिक्षा क्या है, तो मनुष्य जीवन को उन्नत करने के लिए है, ये हमने बताई। तो मनुष्य जीवन की उन्नति कब हो सकती है, इसके लिए कुछ बातें समझ लें। तो मनुष्य जीवन की उन्नति के लिए, संपूर्ण जीवन की उन्नति के लिए ऋषियों ने पंचकोश का विकास बताया। जैसे मनुष्य के जीवन में केवल शरीर नहीं है, शरीर से जीवन नहीं चलता है, ऐसे केवल आत्मा से भी जीवन नहीं चलेगा। आत्मा भी चाहिए, शरीर भी चाहिए, इंद्रिय भी चाहिए, प्राण भी चाहिए, मन भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। ये सब तत्व को मिलकर एक जीवन बनता है, तो ये सभी तत्वों का पहले से ही ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए भागवत में भी बताया कि कौमारात आचरेत प्राज्ञ भक्तान भागवतान यह, माने कौमार अवस्था से ही ये सबका डेवलपमेंट हो, सबका विकास हो, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। पहले से यदि ऐसी शिक्षा नहीं मिली तो बाद में हम वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं, बाद में हम उसको फिल नहीं कर सकते, भर नहीं सकते हैं, वो कमी को दूर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए पंचकोश का विकास बहुत आवश्यक है। ये पंचकोश क्या है, उसका विकास क्या है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उपनिषद में, अनेक उपनिषद में अनेक विषय आए हैं, जैसे ऐतरीय उपनिषद मरणोत्तर गति क्या होती है उसके बारे में बताता है, तो कठोपनिषद में नचिकेतायम की कथा आती है, तो ईशावास्यम इदम सर्वम ऐसा कहकर ईशावास्य उपनिषद में पूरा ईशा का वास है, भगवान की विभूति बताई गई है सब जगह। इस तरह से तैतरीय उपनिषद में शिक्षा का विचार किया गया है, तो तैतरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में माने कि शिक्षा का विचार किया गया है। अनेक अनेक वल्ली है, ब्रह्मानंद वल्ली है, शिक्षावल्ली है, उसमें से अच्छी शिक्षा क्या है और शिक्षा के परिणाम क्या है उसके बारे में बहुत सा वर्णन किया गया है। तो एक वाक्य में यदि कहना है गुरुकुल शिक्षा का परिणाम, तो वो है पंचकोश का विकास, हमारे पाँचों कोशों का विकास, माने कि हम संपूर्ण बने, मनुष्य हम बने हैं, उससे हम संपूर्ण जाए, हम अपूर्ण हैं, पूर्ण की तरफ गति करें। इसके लिए वैदिक प्रार्थना में हम बोलते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अथवा बोलते हैं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, माने कि असत से सत की तरफ जाना है, अंधेरे से उजाले की, प्रकाश की ओर जाना है, और मृत्यु से अमृत की तरफ जाना है। वो लेवल प्राप्त करने के लिए पंचकोश का विकास अतिशय आवश्यक है। तो यहाँ पर शुरू शरीर से की बात, लेकिन शरीर पर पूरी नहीं हुई, आत्मा पे जाकर पूरी हुई। तो सबसे पहला तत्व है शरीर, वहाँ से ही जीवन शुरू है, उसको ही पुष्टि देने के लिए सब कार्य करना चाहिए। तो शरीर की उपेक्षा नहीं की गई, शरीर को फिजिकल फॉर्म, किसी भी वस्तु का कोई फिजिकल फॉर्म होता है, उसकी बाहरी पहचान होती है जो आउटसाइड होती है, उसको हम बोलेंगे अन्नमयी कोश। जैसे हमारा शरीर है, वो बाहर जो शरीर दिखता है, हाथ पैर अंग उपांग है, वो अन्नमयी कोश है। वो अन्नमयी कोश का विकास करना चाहिए, उनको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए बताया अन्नम न निंद्या तद्व्रतम आपोवान्नम, उसके लिए अन्न बहुत जरूरी है। इसके लिए चरक सूत्र में भी अन्नम वृत्तिकराणाम श्रेष्ठतमम भवति, शरीर को टिकाने के लिए अन्न की बहुत आवश्यकता है। तो पहला शरीर का ही कोश अन्नमय कोश है। तो अन्नमय कोश माने फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसका भी बहुत विचार है, और फिजिकल बॉडी का विकास सबसे ज़्यादा किस उम्र में होता है इसका भी विचार किया गया है। तो आंतरिकता से हम देखें तो ये पंचकोश का विकास बहुत ही वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक है।
माने उसमें पहला है अन्नमय कोष। तो अन्नमय कोष माने फिजिकल बॉडी, उसका विकास पीक पॉइंट पर होता है 0 से 5 वर्ष की उम्र तक। माने बच्चा जब छोटा होता है, जन्म लेता है, तब से लेकर 5 वर्ष तक उनका हमेशा शरीर में प्रगति 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 होती जाती है, डेवलपमेंट होता जाता है, डेवलपमेंट होता जाता है। बाद में भी होता है लेकिन वो अवस्था में नहीं होता है, वो फंडामेंटल तैयार 5 साल तक हो जाता है। तो फंडामेंटल जो तैयार होता है वो अन्नमय कोष का डेवलपमेंट हम बोलते हैं। वो समय अन्नमय कोष का डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, इसके लिए बच्चे बार बार पानी मांगेंगे, बार बार भोजन मांगेंगे, बार बार स्टूल पास करेंगे, बार बार यूरिन को जाएंगे, बार बार उसको कुछ कुछ खाने के लिए चाहिए, बार बार पीने के लिए चाहिए। उस क्यों? क्योंकि उसका शरीर रिक्वायर कर रहा है, उसका शरीर मांग रहा है, उसका शरीर का विकास होने वाला है। इसके लिए हमारे यहाँ बताया कि 5 साल तक बच्चे को कहीं पर भी पढ़ने को भेजना नहीं है, घर पे माँ ही उसकी आदर्श शिक्षक है, माँ के साथ ही 5 साल तक रहे। गुरुकुल सिस्टम इतनी आदर्श, इतनी व्यवस्थित, इतनी सुप्रतिष्ठित होते हुए भी गुरुकुलम में 5 साल के नीचे के बच्चों को मना किया गया, क्योंकि 5 साल तक बच्चा जितना ज़्यादा माँ के पास रहेगा उतना ही उसका ज़्यादा विकास होगा। क्योंकि अन्नमय कोष का विकास हो रहा है तो बार बार उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वो ध्यान माता दे सकती है, वो ध्यान और कोई नहीं दे सकता है। तो माता जितना ध्यान दे पाएगी उतना अच्छा होगा। तो 5 साल तक, 0 से लेकर 5 साल तक बालकों का अन्नमय कोष का विकास होता है, उसको शरीर को शरीर बनता है, फंडामेंटल उसका मजबूत होता है। इसके लिए 5 साल तक बच्चों को बहुत केयर करना चाहिए। इसके लिए 3 बातें अन्नमय कोष के विकास के लिए 3 बातें बताई, उसमें पहला है सम्यक आहार, दूसरा है सम्यक निद्रा और तीसरा है ब्रह्मचर्य। ये 3 का कोई भी व्यक्ति पालन करेगा वो स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं है, मैंने पहले बता दिया कि स्वस्थ रहने रहेगा माने अपना स्वास्थ्य रहेगा, इतना हाइट हो, इतनी बॉडी हो, इतना सब परफेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। स्वास्थ्य के लिए अंदर का स्वास्थ्य होना चाहिए, आप प्रसन्न होने चाहिए, आपको नियमित निद्रा आनी चाहिए, नियमित भूख लगनी चाहिए, तो आप स्वस्थ है। स्वस्थ की वो व्याख्या पहले बता दी, समदोष समाग निश्चय समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो ये स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला ज़रूरी है सम्यक आहार। तो सम्यक आहार जब तक हम नहीं लेंगे तब तक अन्नमय कोष का विकास नहीं हो सकता है, हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। इसके लिए सम्यक आहार बहुत ज़रूरी है। आहार के विषय में 2 बातें जान ले, कोई कोई आहार होता है वो शरीर के तल पर वात पित्त या कफ को बढ़ाता है, और कोई कोई आहार ऐसा होता है जो मन के तल पर, जैसे शरीर के तल पर कफ पित्त वात है, 3 तत्व से आयुर्वेद की दृष्टि से शरीर बना है, कफ पित्त और वात, ऐसे मन के 3 गुण हैं, वो है सत्व रज तम। तो शरीर के लेवल पर कफ पित्त वात समान रहने चाहिए, ऐसे मन के स्तर पर सत्व ज़्यादा होना चाहिए, 70% सत्व गुण, 20% रजोगुण और 10% तमोगुण, ये रेशियो मन के लेवल का है। तो ऐसा आहार ले जहाँ वात पित्त कफ तो समान रहे ही शरीर के तल पर, लेकिन मन के तल पर सत्व गुण बढ़े। इसके लिए भगवान ने भी सात्विक प्रिया आहारा ऐसा कहकर रस्या सिग्ना स्थिरारुद्या आहारा सात्विक प्रिया ऐसा भगवद गीता में बताया, ऐसे आहार को लेने को बताया। क्योंकि वो शरीर के स्तर पर तो मेंटेन करेगा वात पित्त कफ को, लेकिन मन को, मन के लेवल पर वो सत्व गुण को बढ़ाएगा, और मन के लेवल पर यदि सत्व गुण बढ़ गया तो मन आपका शांत रहेगा, आत्मा प्रसन्न रहेगा, इंद्रिय उपशम रहेगी, तो शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए रस्या सिग्ना स्थिरारुद्या आहारा सात्विक प्रिया ऐसा बताया। फिर बताया कौन से आहार न ले, तो यातयामम गतरसम पूति पर्युषितं च यद् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम, ऐसे भोजन तामस को प्रिय होते हैं। इसमें बताया वासी न खाए, दूसरी बार गर्म किया हुआ न खाए, गतरस जिसका रस चला गया है ऐसी वस्तुएं न खाए, जिसमें से दुर्गंध आ रही है, कुछ विशेष प्रकार की गंध आ रही है वो भी न खाए, और उच्छिष्ट
किसी का जूठा न खाए, अमेद्य वस्तु न खाए, जो मेधा को दुर्बल करने वाली है, जो बुद्धि को कम करने वाली ऐसी वस्तु, अमेद्य वस्तु न खाए, ऐसा भगवद गीता में बताया। इसका कारण ये है कि सत्व का जो रेशियो है वो मेंटेन होना चाहिए, सत्व गुण वो 70% होना चाहिए, मन के तल पर 20% रजोगुण और 10% मात्र तमोगुण। तो हम तामसिक आहार ज़्यादा लेंगे तो तमोगुण ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आलस, तंद्रा, निद्रा ये सब ज़्यादा हो गए तो सुस्ती शरीर में आएगी और हम विचार नहीं कर पाएंगे, हम बुद्धि हमारी मंद हो जाएगी। इसके लिए मन के स्तर पर भी विचार किया गया। तो शरीर के लेवल पर वात पित्त कफ को समान रखें और मन के स्तर पर तीनों सत्व रज तम का रेशियो ऐसा रखे, ये आहार सम्यक आहार है। ये सम्यक आहार का विवरण आयुर्वेद में बताया। दूसरी बात, सम्यक विहार, कब उठना है, कब जगना है, कब सोना है, कब भोजन करना है, सबके काल निश्चित किए गए हैं। तो ये सब काल पर हो, माने समय पर, यथा समय सब वस्तुएं हो, इसको बोलते हैं सम्यक विहार। रात के समय पर सोना है, दिन के समय पर कार्य है, तो इसको बोलते हैं सम्यक विहार। ऋतु जैसी है ऐसा हमारा आचरण है, उसको बोलते हैं सम्यक विहार। और तीसरी बात है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य के बारे में तो बहुत विचार करने जैसा है, लेकिन इंद्रियों का संयम वो है ब्रह्मचर्य। अपने ओज को, बाहर जाती हुई चेतना, बाहर जाती हुई शक्ति के स्खलन को रोकना, और ओज स्खलन न हो और अंदर ही उसका ओज में रूपांतरित हो और वो एक बहुत मेधावी बुद्धिमान बने जो बालक है अथवा युवा है, इसके लिए ब्रह्मचर्य की बहुत महत्ता है। ऊर्ध्वरेता उसको बोलते हैं, जिन्होंने अपने शक्ति का संरक्षण करके उसको ऊपर ले गया, वो ऊर्ध्वरेता बने। तो ये तीन स्तंभ का आयुर्वेद में भी वर्णन है। अन्नमय कोष के विकास के लिए सम्यक आहार, सम्यक विहार और ब्रह्मचर्य, ये तीनों की बात हमने कही, और आगे हम ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, हरे कृष्णा।